बहुत बड़े बड़े ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं जिनमें मैं ऑफकोर्स जिसमें किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि कनाडा आए दिन कुछ ना कुछ नया बॉम्ब फोड़ता रहता है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसी चीजें जो कि आने वाले समय में हो सकती हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं वो 100% श्योर है कि वो होंगी ही होंगी, लेकिन जो नेगेटिव वाली चीजें हैं हो सकता है कि ये काफी टाइम बाद हो सकता है ये अभी से ही स्टार्ट हो जाएं। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कनाडा ये जो कैपिंग वाला सिस्टम है क्यों लेके आया, उसका सबसे मेन बेनिफिट आगे जाके होगा आपको, वो ये है कि हाउसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हाउसिंग जो था दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये कैपिंग स्टार्ट हुई है। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप मनी अर्न कर सकते हो, मनी अर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। आपको भी पता है $14 की जगह पे $5-6 पे काम कर रहे स्टूडेंट्स। तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो फ्रॉड्स होंगे फ्रॉड से बचा जा सकता है, क्योंकि जो LOA है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस पे सारी चीज मेंशन होती है, आपकी पेमेंट्स एंड एवरीथिंग। बहुत बड़े बड़े ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं जिनमें मैं ऑफकोर्स जिसमें किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़े हैं जो कि पंजाबी पहले आते थे, और रिसेंट जो एक वीक पहले की बात है शायद मैंने कोई प्रोटेस्ट भी देखा था उनके ऑफिस के सामने। वो क्या करते हैं कि LOA नहीं देते। मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने वहां से भी अपनी फाइलिंग का काम करवाया, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर नहीं दिया जाता दैट मींस दाल में कुछ काला है, तो ये जो फ्रॉड्स हैं ये रुक जाएंगे। फोर्थ जो है, जॉब्स अभी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट वहां पे बैठे हैं, GIC से ही अपना काम चला रहे हैं, 4 months हो गए, ठीक है 6 months हो गए, तो कहीं ना कहीं पे ये वाली जो दिक्कत है ये कम हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, विद इन 1 or 1.5 years आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लास्ट जो चीज है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है जिनकी प्रोफाइल्स बढ़िया है वो कहीं ना कहीं पे आगे आएंगे, जो एक्चुअली में स्टडी भी करते हैं, जिन्होंने बढ़िया अपने ऐसे लगा आगे अपना करियर प्लान करा हुआ कहीं ना कहीं पे, तो उनके लिए काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे जाके, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में हो, चाहे फिर वो ट्रकिंग में या फिर कोई और टाइप में हो। लेकिन पांच ऐसी नेगेटिव अपडेट्स जो कि आ सकती हैं, जैसे आपको पता है ये टेम्परेरी है, ठीक है, इस साल और 2025 में, ये 2 साल के लिए जैसे आपको पता कैपिंग टेम्परेरी है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव अपडेट्स आ सकते हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी नेगेटिव अपडेट, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं खास करके जो PPP वाले हैं, पाथवे प्रोग्राम्स वाले हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं, वो कहीं ना कहीं पे चांसेस ज्यादा है कि वो या तो शट डाउन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर एक्शन उनके ऊपर लिया जा सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं वैसे पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव उनके लिए है अगर कोई स्टूडेंट वहां पे स्टडी कर रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसमें। सेकंड सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, एम्बेसी का कहना कुछ और होता है, कॉलेज का कहना कुछ और होता है। रिसेंटली 2023 में 5.5 बैंड वाला अपडेट आया था। मैंने हरेक के ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हैं क्योंकि मुझे पता ये चीजें आगे होने वाली हैं, और हो सकता है कि आज आपको ये वीडियोस कहीं ना कहीं पर देख रही हैं, बट मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस करा है। तो जब रूल चेंज हुआ था तो मैंने बहुत लोगों को समझाया, बोला कि भाई आप 5.5 बैंड पे अपनी फाइल मत लगाओ, तो लोग मुझे बोल रहे थे कि IDP के ऑफिशियल वेबसाइट पे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ये चीज़ें जब अपडेटेड हैं तो हु आर यू, मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला। तो वही चीज़ है ना, अब वो कहीं ना कहीं पे फंस चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। देखो प्लीज लॉन्ग टर्म सोच के चलो कि मेरा फायदा होगा कि नहीं। जब कोई रूल्स बने हैं तो किसी कारण के लिए ही वो रूल्स बने हैं ना। मैं ये नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, मॉनेटरी टाइम के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड, आप अपना पूरा रिसर्च करके जाओ, अगर नहीं क्लियर होता तो कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पे चेंज हो सकते हैं, चाहे वो कॉलेजेस की हो सकती है, चाहे एम्बेसी की हो सकती है। जैसे अभी 5.5 वाला रूल था तो वो कहीं ना कहीं पे अभी कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एक मेजर कारण है जो कि मैं आगे आने वाले पॉइंट में बताऊंगा, जो कि है वीक प्रोफाइल्स। तो कहीं ना कहीं पे जो ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो ऐसे लगा लो कि 3 में 5.5 है या 4 में 5.5 है या फिर ओवरऑल 6 है, 1 में 5.5 है, तो उनके चांसेस कम है कहीं ना कहीं पे वीजा आने के। एग्जांपल के तौर पे एक कॉलेज है उसमें 50 सीट्स हैं और कैंडिडेट है 100, और उन 100 में 45 ऐसे लोग हैं जिनके 5.5 बैंड है 1 या 2 में, बाकी के जो 55 जो लोग हैं, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं पे 6 each भी हैं, ओवरऑल भी हैं। तो अब कॉलेज किनको लेगा, आप मुझे खुद बताओ, आप समझदार हो। ये वाली वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी ताकि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ कि रिक्वायरमेंट कम है, ऐसे मत करो, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है। ये ऐसे लगा लो पेट्रोल की कीमतों की तरह ही है, कम नहीं होती,
बढ़ सकती है। तो वीक प्रोफाइल्स के रिफ्यूजल्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगला जो अपना है दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं पे थोड़ा डिले हो सकता है, रिवोक हो सकता है, विदड्रॉ करना पड़ सकता है। तो ये ऐसे लगा लो कि वही है ना, सीट्स के ऊपर डिपेंड है, 50 सीट्स हैं, ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस और अंटिल आपका जो प्रोफाइल है बहुत बढ़िया है और आप उन 50 के कैटेगरी में आ रहे हो और बाकी के जो रेस्ट हैं वो आपसे नीचे हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अब वो क्रीम वाला काम हो गया, अब समझो इस बात को, है ना, फेस द रियलिटी। लास्ट अपना जो है एक नेगेटिव है दैट इज कि इनटेक जो है वो डेफरमेंट हो सकती है। डेफरमेंट इन द सेंस जो तो पहले भी होती थी, पहले ऑफर लेटर्स में कितना टाइम लग जाता था आपको पता, आप 2-3 मंथ्स लग जाते थे, तो कहीं ना कहीं पे इस बार भी ये चीज हो सकती है। अटेस्टेशन लेटर अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से ही मेन इनटेक में बहुत दिक्कत आ सकती है। अब आने वाले इनटेक्स में जब सीट्स लिमिटेड होंगी और स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं इनको डेफर करना ही पड़ेगा। बाकी ये जो चेंजेस हैं ये टेम्प्रेरी है 2024 एंड 2025 के लिए, लेकिन जो मेन जो मेजर चेंजेस जो परमानेंट है वो मैंने ऑलरेडी बताई हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आने के लिए ही कैनेडा इज डूइंग दीज थिंग्स। So please do not try to get any negative vibes from this video or any video. Just stay positive. Just focus on your mini steps. जो आपके steps हैं उनके ऊपर focus करो. Automatically आपको जो big step है, ठीक है जी, the big one वो cover हो जाएगा. ठीक है जी, thank you so much for watching. Keep loving and keep supporting.